दर्शकों आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में दर्शकों अपने इस कार्यक्रम में हम आपको हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो आपकी मुलाकात करवाते ही हैं लेकिन साथ ही हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनैलिटी से भी करवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक ऊंचा मकाम तो हासिल किया ही है लेकिन साथ ही दूसरे लोगों को भी इंफ्लुस करते हैं और क्या है इनकी कहानी और क्या कहना है इनका अपने काम पर और अपने एक्सपीरियंस पर आइए हम शुरुआत करते हैं तो दर्शकों आज हम आपको हिमाचल के किस रंग से आपकी मुलाकात करवाएंगे दर्शकों आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हिमाचल के संगीत से जी हाँ संगीत जो लोगों को जोड़ता है और शायद दिन की शुरुआत भी लोग संगीत से ही करते हैं और इसके बारे में आज हमें जानकारी प्रदान होगी प्रवीण कुमार जी से जो कि है एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज धामी तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और जानते हैं शास्त्रीय संगीत के बारे में फोक संगीत के बारे में और क्या कहना है इनका और किस तरह की इनकी कहानी है आइए शुरुआत करते हैं सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में थैंक यू वेरी मच जैसे कि आज हम बात करेंगे संगीत के बारे में और हम जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत में आपकी महारत हासिल है और कई सारा जो काम है वो भी आपने किया है लेकिन अगर हम शुरुआत करें तो अगर हम आपकी शुरुआत करें स्कूलिंग से तो आपकी स्कूलिंग किस तरह की हुई और किस तरह के आपके इंटरेस्ट रहे स्कूल के दौरान मेरा जो संबंध है शिमला ज़िले के कोटगढ़ एरिया में मैं वहाँ थानाधार का रहने वाला हूँ वहाँ से मैं पढ़ा मेरा जो स्कूल है कमिट हाई स्कूल वीरगढ़ जी तो वहीं से मैंने अपनी सारी शिक्षा जो मैट्रिक तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ उसके बाद मैं गमिट कॉलेज कोटशेरा चौड़ा मैदान वहाँ से मैंने शिक्षा हासिल की है जी बिल्कुल सर अगर हम बात करें जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे कई सारे इंटरेस्ट होते हैं और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें पार्टिसिपेट करना होता है आगे जाना होता है तो अगर हम स्कूल की ही आपकी बात करें तो स्कूल के दौरान आपके किस तरह के इंटरेस्ट थे और क्या क्या ऐसी चीजें थी जो आप करना चाहते थे आ, संगीत में मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि मेरी मदर जो पहली गुरु होती हैं सबसे पहले तो उन्होंने मुझे वो गाते थे बिल्कुल वहीं से मेरे को गुण आया है जी तो मेरे फादर भी बड़ा इसमें शौक रखते हैं जी म्यूजिक में लेकिन स्कूल में खेलते भी थे जी लेकिन संगीत की तरफ ही गया हालांकि मेरे परिवार में पढ़ाई का बड़ा माहौल है लोग डॉक्टर्स हैं जी। तो पर मैंने यही ऑप्ट किया जो मुझे ठीक लगा जी। बिल्कुल सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके जो परिवार में है पढ़ाई की तरफ जो है सभी लोग हैं और हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई भी आर्ट फॉर्म चूज़ करते हैं या कला के साथ हम आगे जाना चाहते हैं अभी ही नहीं बल्कि पहले के ज़माने की अगर हम बात करें अभी के टाइम की हम बात करें तो हमेशा एक रुकावट रहती है और एक कभी कभी हम कहें कि हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको फेस करना पड़ता है अपनी कला के साथ जुड़ने के लिए तो जब आपने शुरुआत की या आपने घर पर बताया कि आप संगीत में आगे जाना चाहते हैं तो किस तरह का फैमिली सपोर्ट था दरअसल माँ बाप तो सपोर्ट करते हैं लेकिन जो हमारा समाज का जो सोचने का तौर तो तरीका है अभी आ, आ, हमारे हिल एरिया में खासकर यहाँ फोक ज़्यादा है ना उस वजह से अब मैं तो संगीत में जुड़ा हूँ और उस तरह के एक प्रोफेशनल जो व्यवसायिक लोग हैं ना उस तरह की अप्रोच नहीं होती कि क्या करेगा जी, गाना बजाना करेगा बड़ा होकर के इससे क्या होगा क्योंकि कुछ एक लिमिटेड सी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में सोचते हैं इंजीनियर बन जाए डॉक्टर बन जाए टीचर बन जाए गाने बजाने में क्या करेगा वो मुश्किलें तो थी बड़ी लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे शौक़ को जिंदा रखा उन्होंने मेरी ने कि नहीं तुम गाना गाओ कोई बात नहीं फादर ने भी दोनों ने जी सर बिल्कुल अगर हम देखिए कि जब बच्चे होते हैं तो बहुत चंचल मन के होते हैं और कभी कभी हम जो बच्चे हैं वो खुद भी भटक जाते हैं कि उन्हें ये चीज़ नहीं करनी है और ये चीज़ नहीं करनी अब उन्हें रोज़ जो हम कहे कि शौक चेंज होते रहते हैं बदलते रहते हैं है। और आए दिन उन्हें कुछ ना कुछ बनना होता है तो सर जब आपने बचपन से आपकी संगीत की शुरुआत हुई आप, आपकी मदर जैसे आपने बताया संगीत में संगीत में रुझान रखती थी गाती भी थी तो जब आपका ऐसे मन हुआ तो किस तरह का मुझे अनिल भारद्वाज बहुत अच्छा गाना गाने वाले आदमी थे गांव में बहुत जी। अच्छा गाना गाते थे यहाँ उनका बड़ा नाम है जी बिल्कुल मैं माँ के बाद उनको पहला उस्ताद मानूंगा फिर मैं जब नाइन्थ क्लास में पहुंचा उनका गाना सुना फिर तो पक्का हो गया कि अब यही काम करना है जी उसके बाद मैंने सोचा नहीं कि मैं क्या करूँगा हालांकि मैं खेलता बहुत अच्छा था जी स्पोर्ट्स हमारे जो जितने भी जो एरिया है हमारा कोटगढ़ एरिया से बहुत बड़े वॉलीबॉल के नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हुए हैं तो हम सब खेलते मैं भी खेलता हूँ लेकिन फिर वो मेरी लगन लग गई तो उस तरफ मैं चला गया जी बिल्कुल जैसे कि आपने बताया सर नाइन्थ क्लास से जो है आपने सोच लिया था कि अब आपको संगीत में हाँ, आगे जाना है तो जिस तरह से आपका स्पोर्ट्स में भी रुझान रहा वो छोड़ के फिर आपने संगीत जो है उसमें आगे जाना चाहा तो अगर हम बात करें कि आपकी शुरुआत संगीत में कैसी हुई वो तो हम बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा हम आपके बारे में और जानेंगे और अगर हम स्कूल के बाद कॉलेज की बात करें तो कॉलेज किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा और वहाँ किस तरह से आपने संगीत को अपने साथ रखा और संगीत में ही आगे गए हाँ वहां से मैं जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था तो मुझे एक प्राइज मिला काफी बड़ा था वो दिलराज कौर आए थे जी बड़ा नाम था उस वक्त जी बिल्कुल वो आए उन्होंने उन, मैंने जो भी बच्चा जिस तरह से गाता है लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया जी और मुझे काफी बड़ा एक प्राइज मिला फिर मैं शिमला जब आया यहाँ पहली बार पहली बार ही आए शिमला क्योंकि हम तो आए नहीं थे कभी यहाँ भी कुदरती ऐसा हुआ कि जब नेचर साथ देती है जी। तो सबसे जो भी पद्मश्री जिनको मिला है जी, आ, मेरे उस्ताद सोमदत्त बटू जी, जी उनको संगीत में अभी क्लासिकल म्यूजिक में हिमाचल के लिए पद्मश्री अभी मिला है जी, एक मंथ पहले जी, तो जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया मैंने कॉलेज में एडमिशन तो संजौली कॉलेज में लिया था यहाँ लेकिन हमारे को उस वक्त उस वक्त थी नाइनटीन में कोटशिरा नया कॉलेज बना हमको यहाँ भेज दिया और जो मंजिल है वो उसकी और, बढ़ते रहते और आपको भी रास्ता दिखाते हैं तो सर अगर हम बात करें जैसे कि अभी आपने बोला कि कॉलेज आपका किस तरह का रहा फिर किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ किस तरह से आपके कॉलेज चेंज हुए तो जो रास्ते हैं मंजिल है आपको मिलती गई तो सर अगर हम बात करें संगीत में आपकी शुरुआत की तो किस तरह से आपकी शुरुआत हुई और अगर हम बात करें जैसे हम प्रोफेशनली किसी चीज में आगे बढ़ते हैं वो शुरुआत आपकी संगीत में कैसे हुई देखिए जो भी जो अब जो अब गांव से आदमी आया है सब लोगों का एक तमन्ना होती है कि हमको कलाकार बनना है जी। लेकिन कलाकार कैसे बनना है उसका रास्ता क्या है तो बड़ा मुश्किल है ना बिल्कुल अब मैं जब गुरु के पास पहुँचा तो हम तो सोचते हैं कि हम जाएंगे हमारे को गाना सिखाएंगे गाने याद कराएंगे स्टेज परफॉर्मर बनाएंगे सब यही सोचते है लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो उन्होंने मुझे बिल्कुल बेसिक जो है शास्त्रीय संगीत जी, सारे गामा से शुरू करवाया जी, और बड़े उन्होंने देखा होगा थोड़ा जी, कि ये कर सकता है जी, उन्होंने बड़ा एफर्ट दिया जी, मुझे बिठाया समझाया कि जल्दबाजी नहीं करनी है सीखो जी जो वो पटियाला घराना जो हमारा घराना है पटियाला किराना उससे सारे गामा से मेरे को संगीत शुरू करवाया और जिस तरह हम गाते थे फोक गाते थे और गाने गाते थे रोका जी। नहीं मुझे जी। मुझे होल्ड किया कुछ टाइम के लिए कि रुक जाओ पहले इसको करो क्योंकि वो साधना है ना बिल्कुल वो बात कई बार ऐसी बातें होती कि दिल में लग जाती है ऐसी दिल में लगी फिर उन्होंने मुझे लगा रहा वो तो अभी भी चल रहा है जी बिल्कुल प्रैक्टिस जो है वो उम्र भर चलती रोज, रोज, रहती है रोज, और रोज, रोज हम कुछ ना कुछ नया जो है वो सीखते रहते हैं हाँ। तो सर अगर हम बात करें जिस तरह से आपने बताया कि आपकी शुरुआत हुई प्रोफेशनली आपने सीखा तो क्या कभी आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा कॉलेज टाइम जब आप स्टूडेंट थे या कभी भी की जब आपने पार्टिसिपेट किया हो अलग अलग चीजों में संगीत में आप आगे गए हो अलग अलग लेवल्स पे आपने पार्टिसिपेट किया हो हाँ बहुत जगह बहुत बहुत जगह मैंने मैंने शुरू में एक दो साल कोई भी प्राइज़ मुझे नहीं मिला जी अच्छा ही हुआ जी जो नहीं मिला मैंने बहुत मेहनत की उसके बाद फिर मुझे स्टेट के बहुत मुझे अवार्ड मिले स्टेट के नेशनल के जी उसमें कॉलेज लेवल में ही फिर मैं जब एम ए में पहुँचा एच यूनिवर्सिटी से ही मेरी जो रिसर्च है उसके लिए मैं बनारस और दिल्ली में मैंने काम किया जी। लेकिन उस दौरान मुझे ऑल इंडिया गोल्ड मेडल मैंने गज़ल में मुझे मिला है जी हाँ जी यहाँ से उन्नीस में वो उस दौरान ही और बाकी जो भी इंटर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह काफ़ी बहुत प्राइजेज मुझे मिले मतलब कहा जाए तो आपने कई जगह पार्टिसिपेट किया और और कई जो है आपको मकाम आपने हासिल किया और कई सारे प्राइजेस भी आपने आपको मिले तो सर जब हम अगर बात करें कि जब कोई भी बच्चा घर पर इस तरह से जो है प्रैक्टिस करता है अपनी कला में आगे जाता है तो सराहना जरूर सबसे मिलती है तो जब आप इस लेवल पे आगे बढ़ रहे थे तो क्या रिएक्शन था किस तरह का सपोर्ट था आपके आस जो लोग थे उनका बहुत ज्यादा मुझे बहुत बहुत सपोर्ट मिला है सबका ही जी हर एक हर एक इंसान का जिंदगी में कहीं भी मुझे नेगेटिविटी नहीं मिली क्योंकि मैं काम कर रहा था जी, बिल्कुल। दो चीजें काम भी कर रहे थे साथ में चुपचाप काम करना चाहिए जी, बिल्कुल। और जो आदमी को फेम मिलता है उसको डाइजेस्ट भी करना आना चाहिए ना बिल्कुल बिल्कुल चुप रहना चाहिए थैंक्स करना चाहिए नेचर का जी। अपने लोगों का जो आपको बढ़ाते हैं जिंदगी में सर जैसे कि हम जानते हैं अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर है म्यूजिक में तो किस तरह से ये वाला आपका सफ़र रहा संगीत का और किस तरह से आप इस जर्नी में जुड़े मैं आ, 97 सेवन में आ गया था जी जॉब में आ गया था इससे पहले भी मैंने दो साल मैंने एक फॉरेन इंस्टीट्यूट है उसमें काम किया जी उनमें मैं सिखाता था तो जब से भी मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ये लगा है कि हम बड़े कॉर्नर में बैठे हैं नॉर्थ में एक्सट्रीम नॉर्थ में ना फिल्म इंडस्ट्री बहुत दूर है तो यहाँ हम मिनिमम में मैक्सिमम क्या कर सकते हैं जी लेकिन उसके लिए रास्ता है कि कि बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक सिखाना पड़ेगा जी फोक है जी फोक के अंदर घुस के हमारे को बताना पड़ेगा कि इसके अंदर अब जो भी अब मान लो एक छोटा बच्चा होता है बात तो वो करता है ना लेकिन उसको स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती ना ही उसको पढ़नी आती है दो साल का बच्चा तीन साल का कम्युनिकेट करता है वैसे गाना तो सब गा रहे हैं ना? जी बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर के जो स्वर है और मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ बहुत ज्यादा मुझे जितना मैं चाहता था मेरे जो बच्चे अभी मैंने जिनको सिखाया है जितना मैंने उनको सिखाया उनसे ज्यादा उन्होंने मल्टीप्लाई उसको किया है हम हमेशा कहते हैं कि जो टीचर है वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं हमारे गाइड होते हैं हमारे सपोर्टर होते हैं और किस तरह से जो सपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए भी आगे जाने के लिए तो सर अगर अब हम बात करें क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में और क्लासिकल म्यूज़िक की हम शुरुआत करें तो जैसे कि हम जानते हैं आपने तो भारत इसमें हासिल की है लेकिन अगर हम बेसिक से शुरुआत करें तो क्लासिक क्लासिकल म्यूज़िक किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी और किस तरह से ये अभी भी चलन में है और क्यों इसको समझना ज़रूरी है हाँ पहली बात तो एक की महारत तो नहीं होती ना इसमें जी बिल्कुल भी नहीं समझ आता है जी, ये समझो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आता है जी मैं अभी भी अब आज सुबह आया हूँ तो स्वर लगा के आया हूँ स्वर लगाते हुए आया हूँ गाड़ी में बिल्कुल बिल्कुल तो ये बड़ा मुश्किल काम है स्वर लगाने की कोशिश करते हैं ठीक है क्योंकि हमारा जो गाना है मैंने जिस तरह से बताया कि हम नॉर्थ में रहते हैं अच्छा और सारा जो भी है पूरा पूरा देशिया हमारा जी बिल्कुल अभी किसी टाइम हम ट्राइब में ही थे ना ट्राइब से आए हैं बिल्कुल धीरे-धीरे आ रहे हैं जी तो लोक संगीत तो हजारों लाखों साल पुराना है बिल्कुल बेअंत है कोई पता नहीं है कहाँ से आ रहा है ना लेकिन क्लासिकल म्यूजिक का जैसे हमारे को रेफरेंसेस मिलते हैं अभी तो 3-4000 साल पहले का हमारे को मिलता है जैसे वैदिक है जी वेद से पांच हजार साल मान लो जी। उसके बाद अब जो हमारा एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र है वो भी कोई तीन हजार के साल हम मान सकते हैं उसको जी। वापिस ना लेकिन जो राग है रागों का नाम कोई नवी दसवीं शताब्दी में जी। शुरू हुआ है जी। और जो अभी का जो इसका स्ट्रक्चर है जिसको ख्याल गायन बोलते हैं जी। जो जो राग अब खाना है मान लो जी खाने में तो बहुत सी चीजें आती है ना उसमें रोटी भी आते हैं चावल भी आते हैं दाल भी आती है। जी। वैसे राग तो एक बड़ा एक बड़ा स्ट्रक्चर है उसमें उसके उपभेद होते हैं जैसे जी। ख्याल गायक, जी। ख्याल गायन, फिर ध्रुपद है, दादरा है, जी। है। जी। तो इस तरह का वो अभी हम जाएंगे कोई चार पांच सौ साल पहले जी। जितने भी अभी के जो राग हैं उनका जो नाम है इस दौरान ही वो डेवलप हुए हैं सारे ना और ये कॉम्बिनेशन है जी हम जैसे हम सात स्वर जो बोलते हैं ना जी सात स्वर ही बोलते हैं सब लोग बात करते हैं सात स्वर सारे गामा पादा निशा षर्ज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निशा लेकिन इसके बाद इसके कुछ और फॉर्म्स भी होते हैं जी टोटल ये बारह होते हैं जी बारह स्वर होते हैं ना जी, जी तो उसके कॉम्बिनेशन है कैसे कॉम्बिनेशन है अब मान लो शतरंज खेलते हैं तो उसके आठ खाने हैं जी आठ है ना जी तो एट 8 8 64 हो गए वैसे मल्टीप्लाई होते हैं जी, वैसे ही ये भी 12 है जी अगर इसको हम 12 मान के चलते हैं तो उतने ज्यादा कॉम्बिनेशन है ये कोई लगभग साढे सत्रह हज़ार कॉम्बिनेशन बनते हैं जी ठीक है मतलब कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसमें अभी जो हमारे परचलन में कोई 200 250 जिनको हम राग अभी मतलब इडेंटिफाई करते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं वो है और एक एक राग में करोड़ों धुनें बन सकती है जी अब सोचो कितना है बिल्कुल तो हम कहां हमारा तो सकती है पहुंच नहीं सकते जी जी एक राग में करोड़ों नई धुनें बन सकती है जो कभी खत्म नहीं होगी तो उस तरह के हमारे पास अगर हम कोशिश करें तो कोई 75000 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो कितना बड़ा है बिल्कुल बिल्कुल सर कहा जाए तो ये कितना बड़ा सागर है जिसकी गहराई नापना बिल्कुल मुश्किल है और हम रोज अगर आ, आ, काम करें और नई नई चीजें उसमें जोड़े भी तो वो भी कभी खत्म नहीं होगी और हमें रोज नई की नई चीजें मिलती हैं नेचर है ना जैसी अर्थ है जी जैसा हमारी गैलेक्सी है जी इतनी वास्ट है कि हम कभी इसका पता नहीं लगा सकते पूरा जा रहे हैं हम धीरे धीरे ना जी वैसे संगीत है जैसे समंदर है ये एक ही चीजें जुड़ी हुई है ना बिल्कुल साइंटिफिक भी जुड़ी हुई है सारी चीजें सर so, uh, जैसे कि अभी आपने रागों की बात की कि, uh, कि कितने तरह के राग हैं जो जुड़े हैं संगीत किस तरह से बनता है तो हम चाहेंगे कि हम इतनी मधुर मधुर बातें तो कर रहे हैं लेकिन अगर आप एक मधुर सा राग हमारे दर्शकों को सुना दें राग तो क्या है मैं थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करता हूँ जैसे मान लो हमारा जी। जैसे हिमाचल में ही हमारा यहाँ पर जो हम काम करते हैं सा सारे मापानी सा नी पामरे रे नि पाम अब हम कांगड़ा में देखते हैं किस तरह से इफेक्ट कर रहा है जी। आ, अम्मा पूछ दी सुन दिए मेरी ये अम्मा पुछ दी सुन दिए मेरी ये दिए भला दुबली तू किया करी हुई हो सारे माँ पानी स रे नी रे पमरे मारे रे रे नी स पानी सारे मारे सा अब ये सारंग है जी। देश है कामोदे उस तरह का मिक्सर है जी, जी। लेकिन कांगड़ा में जो अम्मा पूछती है जी। वो इस पे आधारित है जी। अब इसके ये तो पहले बने हैं ये जो गाना है ये ये जो गाना मैंने आपको जी, सुनाया जी, है, ये रागों से भी पहले बन चुका है जी। हमने स्वरों में बाद में इसको ढूंढा है जी। ये फोक है ना लोक संगीत है लोगों का संगीत है इसके पीछे कहानी है हमारा जितना भी संगीत है यहाँ हिमाचल में ये फोक जिसको बोलते हैं लोक गाथा जी। हर गाने के पीछे एक स्टोरी है जी। तो ये ये जो ये गाना है अब हमने क्या इसमें किया है कि जैसे हम हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे उस्ताद ने मुझे बताया और बहुत से लोग हैं यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है जी। बच्चों को भी वैसे ही सिखाते हैं बिल्कुल आगे इस तरह से। जी सर से। इना मधुर आपने हमें संगीत सुनाया है और आगे भी हम संगीत से जुड़ी हुई बातें तो करेंगे ही लेकिन दर्शकों हम चाहते हैं इतना मधुर संगीत हमने सुना तो एक और संगीत लोकगीत हम आपको सुनाएंगे अपने दर्शकों को और आइए देखते हैं और साथ ही हम बातचीत भी अपनी जारी रखेंगे उसके बाद दर्शकों हमने इतना मधुर संगीत सुना और आज हम आपको संगीत के बारे में ही बताएंगे और और भी जानकारी देते हैं तो आइए अपनी कन्वर्सेशन को जारी रखते हैं और सर जैसे कि हम बात कर रहे थे राग के बारे में आपने अभी बताया लोकगीत के बारे में कि कितने पुराने हमारे लोकगीत हैं और कब शुरुआत हुई उनकी और किस तरह से अब अभी हम इसमें म्यूज़िक ढूंढते हैं और किस तरह से जो आगे है वो लोकगीत अभी तक चलते आ रहे हैं तो हम चाहेंगे आपसे कि थोड़ा सा आप अगर हमें लोकगीतों के बारे में बताएं जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो रीजन्स हैं हिमाचल में भी पहाड़ी इलाके हैं काफ़ी अलग अलग है और अलग अलग तरह की अगर हम देखें म्यूज़िक वहाँ पर बनते हैं और सबका अपना एक मतलब होता है तो थोड़ा सा आप हमें उसके बारे में बताएँ हाँ हमारा जो दो तरह का फोक फोक भी लोक संगीत भी दो तरह का यहाँ दो रीजन है ना छह हिल डिस्ट्रिक्ट है छह हमारा पंजाब के साथ थोड़ा मिलते जुलते हैं अब जैसे हमारा जो लाहौल स्पीति किन्नौर थोड़ा शिमला आ गया जी, उसमें पेंटाटोनिक उसको बोलते हैं हम पांच स्वरों का जो गाना होता है जी, जिस तरह की आपने अब जैसे नाटिया है जी, जी, बड़ी पुरानी पुरानी नाटी हाँ, सारे गा साए बारियाँ बीबी है साए बारियाँ बीबीए रंग डालना चुना हो साए बारियाँ बीबी है सां बारियाँ बीबीए पाद सार रेगा मगरदा पाद सार बारी है बारिये बीबीए ये मतलब पेंटाटोनिक पांच स्वरों का गाना जी जी पांच स्वरों का गाना जी तो छह डिस्ट्रिक्ट में तो पांच स्वरों का गाना चलता है जी बिल्कुल लेकिन जो बात रही कि गाना फोक संगीत जी इसका कोई ओरिजिन का पता नहीं है जी जब से हम लोग हैं जी अब जैसा मानते हैं अभी की जो अभी की जो लोग हैं लगभग ऐसा माना जाता है कि कोई लगभग 40000 साल पहले से तो थोड़ा सो जो अभी का आदमी है जी वो एग्जिस्ट करता है जी तो इस संगीत भी लगभग उससे भी पहले जुड़ा है ना जब से आदमी आया है जब से इस ज, जो आजकल का इंसान है जी आदि मानव से हम आए तो धीरे-धीरे संगीत भी तब से आया है फोक तो तब से चला हुआ है बिल्कुल राग तो बहुत बाद में आया है जी हां सर so, जैसे कि हम बात करें जैसे म्यूज़िक है लोक संगीत है लोग जो है लोक संगीत में आगे बढ़ रहे हैं फोक म्यूज़िक में आगे बढ़ रहे हैं क्लासिकल म्यूज़िक में आगे बढ़ रहे हैं तो अगर हम देखें तो कितना इम्पोर्टेंट है अपने संगीत को आ, समझना अगर हम बात करें क्लासिकल म्यूज़िक की यहाँ अगर हम बात ना करें फोक म्यूज़िक की ही अगर हम बात करें जैसे कि हम देखते हैं आजकल जो लोग हैं यूथ है, है कई तरह का ऐसा म्यूज़िक है जो अब हमें सुनने को मिल रहा है नया बन गया है लेकिन जो अपनी रूट्स है जो फोक म्यूज़िक है उसको समझना उसकी समझ कितनी इम्पोर्टेंट है आज के समय में देखिए जो पहले तो क्या हो रहा है कि जो हमारा जो लोक संगीत है ना जी मैंने जब आप, आपको बताया कि उसमें लोक गाथा है जी उसमें एक्सपीरियंस ही छुपे हुए हैं जी पुरानी चीजें हैं उसमें बड़ी कहानियां हैं जी हमारी हिस्ट्री है जी उसके साथ जो 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 चेंजेस आ रहे हैं जी जो उसमें हिस्ट्री हमारे को मिलती है कि क्या क्या रहा होगा जी पहले इससे पहले जो है राजे होते थे जी वो जो सिस्टम था जी मतलब राजे महाराजाओं का टाइम था जी, उसके बाद अब में जब आजाद हुए उसके बाद सरकारें जब से आई है जी, लेकिन वो उनमें सारा कुछ मिल रहा है क्या क्या होता था जी कि राजे किस तरह का बिहेवियर करते थे लोगों के साथ जी और कैसे लोगों के साथ ये सारा गानों में छुपा हुआ है जी, एक चीज जी, दूसरी चीज जो बोलते हैं ना कि ये जमीन से जुड़ा हुआ गाना होता है जमीन से जुड़ी भाषा आदमी की मदर टंग जो जो अपने लोकल डायलेक्ट होते हैं फोक जो होता है उसी में ही होता है जी। आना चाहिए ना बिल्कुल अच्छा अब उसमें चेंजेस जो है वो बड़े खराब है जैसे आप बोल रहे जो सुनने का है जो आजकल बच्चे सुनते हैं या नया म्यूजिक जो कम्पोज जी, हो रहा है जी, स्टेट में भी वो बड़ा काम खराब हो रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं है वो जी उसको हम खराब नहीं कर सकते हैं ना हम भी निकालते हैं हम भी काम कर रहे हैं जी हमने हमने तीन चार प्रोडक्शन की है ढीली नाटी में जी हमने तेज भी काम नहीं किया है जी, उसमें थोड़ी सी ऑर्केस्ट्राइजेशन को हमने चेंज किया है जी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट लाए हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट भी है बदलना भी पड़ता है ना थोड़ा सा लेकिन हमने उसकी जो एसेंस है ओरिजिनलिटी है है ना उसको हमने छेड़ा नहीं है जी उसकी धुन को उसके शब्दों को वैसे रखा है तो ये तो आदमी बोलते हैं कि बड़ा से बड़ा पेड़ है ना बट भी है। जी। आपका बड़ा होता है। अगर उसकी जड़े नहीं अपना डायलेक्ट को छोड़ देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे बिल्कुल बात ये है उसका जी जैसे जैसे आपने वाद्य यंत्रों की बात की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की तो जब भी हम संगीत की बात करते हैं जो वाद्य इंस्ट्रूमेंट है वो जुड़े हुए हैं एक तरह से अगर हम कहें तो लोकगीत की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरह के हमारे परंपरा के हिसाब से जो है वो यूज़ होते हैं चाहे वो गांव में हो कोई मेला हो या हम कहें किसी आ, हमें फंक्शन में यूज़ करना हो जैसे शिवरात्रि अभी होती है दशहरा कुल्लू का होता है और इस तरह के जो अन्य फेस्टि आ, फेस्टिवल्स हैं वो होते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस है इन बाधे यंत्रों का इन इंस्ट्रूमेंट्स का वो भी बिल्कुल मिट्टी से जुड़े हुए हैं ना जी। आप ढोल अच्छा, तो सबसे पहला तो वैसे माना जाता, ताली जी। ताली का गान, गाना होता था ना, जब, जब जंगलों में रहता था जी। आज की जमाने में तो बड़े साइंटिफिक डेवलपमेंट है लेकिन उस वक्त ताली सबसे पहला ताल होता था ताली से ना उसके बाद ढोल नगारा जी। अब नगारा और जो ढोल है उसमें पहले तो वो लकड़ी के होते थे धीरे धीरे अच्छा स्किन का प्रयोग हो रहा है जो खाल उसपे लगती है लेकिन खाल में जो रेजोनेंस होती है ना खाल जब बजाया जाता है उसकी उसकी रेजोनेंस दिल पे लगती है जी। वो बड़ा डीप है बिल्कुल तबला है ना जी बड़ा डीप है जी। उसके बाद आजकल तो ऑक्टोपैड है बड़ा एक आर्टिफिशियल मतलब रिदम सिस्टम है लेकिन वो अपील नहीं करता वो आपको नचा देगा भले ही जी। आपके खून की गति को तेज कर देगा बिल्कुल। लेकिन दिल तक नहीं पहुंचता है जी। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडिशनल जैसे ढोल है नगारा है गुज्जू है ढेंकली है, है और बांसुरी है बांसुरी भी ओल्डेस्ट है बिल्कुल क्योंकि बेम्बू है ना जी तो नेचुरल बनी हुई चीजें तो इसका जुड़े हुए है ना ये हमारे हमारे लोग से अंदर है बिल्कुल हमारा कोई भी धार्मिक आ, काम हो देवता का हो शादी हो वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ही हम प्रेफर जी। करते हैं ना जी। अच्छा जुड़े भी उसके साथ है बिल्कुल वो बचता है तो आदमी खुद ब खुद कुछ होने लग जाता है जी। क्योंकि उससे एक वाइब्रेशन निकलती है ना प्रूव्ड है ना वो इतने सालों से जी बिल्कुल बिल्कुल सर जैसे कि अगर हम बात करें आजकल के जो आजकल एरा चल रहा है और हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है जो आ चुका है और किस तरह से ऑल्टरनेशन आ गई है किस तरह से अभी संगीत बनता है और लेकिन हम बात करें जैसे अभी भी जो कई सारा संगीत है वो इस तरह से बनता है लोग अलग अलग, अलग जगह घूमने जाते हैं लोग अलग अलग, अलग जगह ट्रैवल करते हैं वहाँ के संगीत को ढूँढ कर लाते हैं और उसे ही क्या है आजकल हम बोलते हैं रिमिक्स कर देते हैं जो हमारा एक बेसिक जो हमारा सॉन्ग था एक हमारा म्यूज़िक था उसको किस तरह से आजकल रिमिक्स कर कर कुछ नई चीज़ बनाई जा रही है तो वो किस तरह से अलग है क्या वो अच्छी है या हम कहे बुरी है किस तरह से उसका इम्पेक्ट है अब मैं बोलता हूँ कि जी आपने आजकल गाने सुने होंगे गानों का मैं नाम नहीं लूँगा जी जो लता जी ने गाने गाए थे उनको रिमिक्स करके गा रहे हैं बिल्कुल लता जी जैसा तो कलाकार हो नहीं सकता जी बात क्या है कि जो आप बोल रहे हैं है। किसी की भी आवाज निकल सकती है उसका मैंने आपको गाना सुना रहा था मेरे को एक, एक एक नोट का पता है एक एक स्वर को हम समझ के गा रहे हैं उसका फील फैक्टर जुड़ा हुआ है उस फील फैक्टर को पैदा करने के लिए उम्र लग जाती है जितना मुझे अब मेरी जो इस वक्त में 56 मेरी एज है जी मैंने 16 साल में गाना सीखा है 40 साल से मैं स्वर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अभी भी नहीं लग रहा है जी वो जितना हम जाते हैं दो दरवाजे खोलते हैं चार और बंद मिलते हैं उसको खुरने है। तो वो फील फैक्टर एआई में फील फैक्टर कहाँ से आएगा जी नहीं आ सकता जी तो ये चीजें हैं ना रीमिक्स करना आप रीमिक्स कर रहे हैं जो अब लता जी ने गाने गाए हुए हैं उसको रीमिक्स करते हैं खत्म कर देते हैं नई जनरेशन जो है ना वो उस रीमिक्स को सुनती है उनको पता ही नहीं है कि लता जी कौन थे जी। ये उसका इम्पैक्ट है बैड इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा जी बिल्कुल सर जैसे कि अगर अभी हम बात करें क्लासिकल म्यूज़िक की तो कई सारी जो बातें हैं क्लासिकल म्यूज़िक कई सारे जो बच्चे हैं आजकल क्लासी क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़ना चाहते हैं और कई सारी जो यूथ है आगे जाना आगे बढ़ना चाहती है क्लासिक आ, क्लासिकल म्यूज़िक के साथ तो सर अगर हम बात करें क्लासिकल म्यूज़िक की तो क्लासिकल म्यूज़िक को हम किस तरह से समझें और किस तरह से उसे अपनी ज़िंदगी में हमें इन्वॉल्व करना चाहिए देखिए जी जो मेरा जो रिसर्च इस पर है जी सारी उम्र भर का हमारे जो ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती जी, है जी, है ना जी जी उसको इफेक्ट करता है संगीत जी मतलब आप एक गाना लगा हुआ है आप उसको सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं लेकिन वो आपको इफेक्ट कर रहा है वो साइंटिफिक है जी क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड है बिल्कुल ऑडियो इमेजेस है जी वो आपको इम्पैक्ट कर रही है इससे इलाज हो रहा है म्यूजिक थेरेपी है जी आजकल पूरा एक सेगमेंट है पूरा म्यूजिक थेरेपी है माइग्रेन ठीक नहीं होता है माइग्रेन ठीक होता है राग थोड़ी सी ठीक होता है मैंने खुद प्रूव किया है मैं लोगों पर कर रहा हूँ इस चीज़ को कि काफ़ी लोगों को जिनको सिर दर्द होती है अस्सी परसेंट उनकी सिर दर्द खत्म हुई जब मैंने वो चलाया बीस मिनट के उसको हमने ऑडियो कैप्सूल बनाए हुए हैं मैं उनको चलाता हूँ लोगों को दे रहा हूँ बच्चों को इम्पेक्ट करता है बच्चों की जो प्रसप्शन है जो पढ़ते हैं बच्चे जी। पढ़ने में किसी को दिक्कत हो रही है बच्चे को शास्त्रीय संगीत उसको सुनाया जाए वो प्रसीव करेगा गाय ज्यादा दूध देती है जी। पेड़ों को जब सुनाते हैं पौधों को सुनाते हैं वो ज्यादा बढ़ते हैं तो कोई एक डिवाइन पावर तो है ना उन कॉम्बिनेशन में स्वर के जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत जरूरी है बिल्कुल बेसिक एजुकेशन से इसको शुरू करना चाहिए जी जरूरी है जी सर बिल्कुल सर कहा जाए तो आ, हम कहते हैं कि म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए उससे सर में दर्द होगी लेकिन किस तरह से जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक है वो हेल्प करता है हमारे ग्रोथ में और जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो भी किस तरह से दूर होती है तो सर हम इतनी संगीत की बात कर रहे हैं तो हम अपने दर्शकों को एक मधुर सा लोकगीत जरूर यहाँ पर सुनाना चाहेंगे तो आइए सुनते हैं एक लोकगीत का खुशियों का सरमाया मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया तुम्हारे प्यार का झोंका बड़ी ठंड जब खुशियों का सरमाया मेरी में मोदत से जो जहनों दिल था में था छाया मेरे ख्वाबों में मोदत से जो जहनों

खुशियों का सरमाया लगायो मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया तो दर्शकों हमने इतना मधुर सा संगीत तो सुना और इतनी मधुर मधुर आज हम बातें कर रहे हैं संगीत के बारे में आपको बता रहे हैं तो आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और सर जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे लोग म्यूज़िक के बारे में और हम जानते हैं कि आपने भी जो है काफ़ी काम किया है तो अगर हम आपके एक्सपीरियंस की बात करें अलग अलग लोगों के साथ आपने काम किया है म्यूज़िक आपने बनाया है म्यूज़िक वीडियोज़ आपने बनाई है तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से लोग आपके साथ जुड़ते गए हमने गाने भी बनाए बहुत सा काम किया है जी <गया> बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी कर रहे हैं बिल्कुल सारे में मैं बाहर भी यूरोप में जी लंदन में जी। काफी बार मेरे प्रोग्राम होते हैं जी पूरे देश में मैं प्रोग्राम करता हूँ बिल्कुल खासकर क्लासिकल गजल के और फोक को भी प्रमोट करता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। साथ में हिमाचल फोक को ना जी तो यहाँ स्टूडेंट भी बहुत तैयार किए हैं जिनका भी नेशनल लेवल पे भी हमारा प्राइज आया है जी। वो भी हैं बच्चे भी हैं तो काम कर रहे हैं फोक को बचा रहे हैं फोक पे काम भी कर रहे हैं और मेरे जो उस्ताद जैसे मैंने आपको बताया जी। पदम श्री श्री सोमदत्त बट्टू जी, जी और कैलाश सूद जी, जी उनसे मैंने मतलब कंपोजिशन का काम सीखा है वो भी मेरे उस्ताद रहे और कंवर लोकेंद्र सिंह जी यहाँ बड़े नाम हुए तीनों अभी सोमदत्त भट्टू जी तो दिल्ली में रहते हैं कैलाश जी नहीं है उनका पिछले साल निधन हो गया है और कंवर लोकेंद्र सिंह जी भी नहीं है जी। वो ये तीनों नाम बहुत बड़े हैं यहाँ पर जी बिल्कुल हमारे हिमाचल के अंदर इन्होंने बहुत काम किया है जी। वो ही दिया है हम भी आगे उसमें काम कर रहे हैं हमने दो तीन वीडियो शूट किए हैं एक नैना लाड़ी है जी। उसका भी हमने जो फोक स्टोरी है उसको रखा उसके गाने को भी वैसा ही जिंदा रखा है वैसे ही गाया है जी, जो कुल्लू और हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा उसको गाया जाता है लाड़ी सुरमा हमारा एक पिछले साल काम आया था जी, और अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा उसका हमारे को रिस्पांस मिलता है क्योंकि डेली नाटी है ना जी बिल्कुल और प्योर है बिल्कुल उसको जैसा आपने बताया था ना कि सब कुछ बदल तो रहा है ना थोड़ा सा लोग फास्ट चाहते हैं जी, अच्छा उसमें लिरिक्स भी ऐसे चाहते हैं कि जो इजीली उनको अंडरस्टैंड करें और उसमें थोड़ा हिंदी मिक्स हो जी, लेकिन हम जो करते हैं उसको लोग सुनते हैं वो चल रहे हैं हमेशा चल रहे हैं बहुत अच्छा है जी। जी अगर अगर सिंसियरली काम होता जाए तो बिल्कुल सर जैसे कि अगर हम बात करें जब हम जो है म्यूजिक को संगीत को सीखते हैं क्लासरूम में सीखते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है और लेकिन जब हम बाहर प्रैक्टिकली उसको करते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है तो आप इस तरह इस चीज़ को किस तरह से समझाना चाहेंगे जो तो कलाएँ हैं ना जी जी अब मैं संगीत की बात करता हूँ तो

गुरु की सेवा करनी पड़ती है टाइम वहाँ स्पेंड करना पड़ता है तभी तो गुरु हमारे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना सिखाएंगे बारीकियों को वो क्लासरूम वर्क में नहीं होता है तो उसके लिए जो आप पूछ रहे हैं कि उसके लिए अलग से काम करना पड़ता है जो कला के लोग है फिल्म के लोग हैं थिएटर के लोग हैं उनको इसमें पूरा 24 फोर आवर इसमें देना पड़ता है ऐसे नहीं होगा उसमें जो भी उनके गुरु है जो मास्टर्स है मेंटर्स है उनके साथ रहना पड़ेगा बिल्कुल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ना वो ये फर्क है उसमें जो एक फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें बड़ा लिमिटेड चीज है, जी। उसमें हम सिखाते हैं लेकिन बड़ा कम है चालीस मिनट का पीरियड होता है चालीस मिनट में तो इंस्ट्रूमेंट ट्यून होता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। तो गुरु के साथ रहना पड़ता है पता नहीं कब कौन सी किस टाइम में हमारा मेंटर हमारे को कौन सी चीज बोल दे जी बिल्कुल जिससे रास्ता मिल जाए जी सर जैसे कि हम जानते हैं आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है म्यूज़िक में और इतनी सारे जो है आपने काम किए हैं इतनी सारी जगह आपने पार्टिसिपेट किया है तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपका कोई ऐसा फेवरेट जो है सॉन्ग हो लोकगीत है क्लासिकल म्यूज़िक है कोई भी ऐसा सॉन्ग हो और अगर वो सॉन्ग आप हमारे दर्शकों को सुना दें सुनाना तो क्या अब मैं ये बता सकता हूँ कि हिमाचल में तो मैं रोशनी देवी जी जी जो हुए उनका गाना बहुत अच्छा है मैं गा तो नहीं पाता वो उस तरह का गाना है जो। जी। और आ, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर जी से मैं जी। बड़ा जी। उन, उनसे मैं मतलब मुतासर हुआ हूँ बड़े फैसिनेट करते हैं उनकी जो आवाज़ है उनका रफ़ी साहब हैं और क्लासिकल म्यूजिक में आ, उस्ताद अमीर खान साहब जो हुए और विलायत खान साहब दो लोग ऐसे हैं कि जिनका मुझे अच्छा लगता है काम जी बिल्कुल सर जिसकी हम जानते हैं आपने कई जो है अपने अपने जो म्यूजिक आ, जो है वीडियोज वो भी बनाई है और उसमें भी आपने गाया है तो अगर एक आपके द्वारा ही बनाया गया सॉन्ग आप हमें सुना दें हाँ मैंने मैं जो एक गाना भी लेटेस्ट आया नैना नैना लाड़ी भी है जी हाँ, आप

बिल्कुल बहुत बढ़िया सर कितना मधुर संगीत जो है आपने हमें सुनाया है कितनी अच्छी तरह से इसको गाया है और यहाँ हमें पता चलता है कि कितना ज़रूरी है अपने लोकगीत के साथ अपना जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसके साथ जुड़े रहना और किस तरह से हमें अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहना चाहिए तो सर जैसे कि अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो चेंजेस है अगर हम चेंजेस देखें तो अगर कहा जाए साइंटिफिकली कि जो चेंज है वो इम्पॉर्टेंट भी है और चेंजेस होने भी चाहिए लेकिन आपने किस तरह का जो चेंज है अपने इस दौरान अपनी इस लाइफ की जर्नी में अभी तक म्यूजिक में और कौन सा चेंज अच्छा है और हम कहें कि कौन सा चेंज है जो नहीं होना चाहिए था देखिए जो तो बात प्योरिटी की है जो संगीत है सारा ये रेजोनेंस पे वेस्ट है जी। जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं संवाद कॉम्बिनेशन एंड रेजोनेंस जो एक हमारी म्यूजिक की भाषा होती है उसमें बोलते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन संगीत है तो फिजिक्स ना बिल्कुल भौतिक ही है ना जी फिजिक्स है उसमें जो भी वेवलेंथ है उस पर काम हो रहा है जी इसकी जो फ्रिक्वेंसी है हर्ट से हम इसको देखते हैं बिल्कुल वो सारा काम हो रहा है चेंज भी होगा जी, अब जैसे अब के टाइम में जो ऑटो ट्यूनर लगता है जी कोई भी जाता है बिल्कुल, उसको बिल्कुल। ट्यून करते हैं थोड़ा स्लाइड करते हैं लगभग सब ही लोगों को आजकल ट्यून किया जाता है है ना अच्छा ठीक है लेकिन मुझे जो लगता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जैसे तानपुरा जी सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है क्लासिकल म्यूजिक के लिए तानपुरा जो चार तारों का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कॉम्बिनेशन पे और रेजोनेंस पे ही ट्यून किया जाता है अच्छा उससे जो आवाज निकलती है जो ये चल रहा है जी बिल्कुल ठीक है जी इससे साथ के साथ स्वर निकल रहे हैं प्योर बिल्कुल बिल्कुल उसको तभी तो साधा जाता है उसको जब हम गाते हैं उसके साथ काम करते हैं तो प्योर म्यूजिक निकलता है जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा जो एक केमिकल होता है ब्रेन में उसको इम्पैक्ट करता है वो जी ये चीज तो रखनी पड़ेगी ना हमारे को जी, कि उसके हिसाब से तो गाने को साधना पड़ेगा चाहे हम साइंटिफिकली कितना भी आगे बढ़ रहे हैं ए आई का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन हमको इसको फील फैक्टर को और जो इसकी डिवाइन पावर है जो एक मेडिसिनल इसका इम्पैक्ट है उसको जिंदा रखना पड़ेगा तभी तो चैन मिलेगा बिल्कुल सर जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से हमें अपने म्यूजिक के साथ जुड़ना चाहिए और किस तरह से जो हमें है इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए सर आज हमें म्यूजिक के बारे में बताया हमने इतनी सारी बातें की क्लासिकल म्यूजिक के बारे में फोक म्यूजिक के बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बहुत अच्छा लगा सर हमें बात करके धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू और इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए अभी के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल नमस्कार